तो ऐसा हो जाता है किसी को, तो आपने क्या करना है, मरीज को बोलना है कि अपनी एक टांग को ऊपर उठाओ, मोड़ लो, मोड़ने के बाद और इसको आंटी जी सांस भर के गोड्डे को नाक लगाओ, लगा लिया, सांस छोड़ने के बाद इस पैर को हटा दो। ये बहुत ही सरल व्यायाम है दोस्तों, जिसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। एक एक गोड्डे को मोड़ना है, सांस भर के पहले यहां से पैर पकड़ना है, सांस बीच में रोक के और यहां नाक लगा देना है, और जब आपने छोड़ना है तो उसके बाद आप इसको आराम से धीरे धीरे रिलैक्स कर दें। एक एक्सरसाइज आपकी ये है जिससे आपकी धड़न जैसे मर्जी इधर उधर हो रही होगी तो वो आपकी नाभि के बीच में आ जाएगी। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है दोस्तों, दोनों पैरों को इकट्ठा जोड़ो, इकट्ठा जोड़कर 30 डिग्री के कोण पे उठा लेना है, और दोनों हाथों को भी ऐसे करो, ये थोड़ा सा गर्दन के ऊपर, ये देखिए दोस्तों, ये पोजिशन जिसके अंदर हमारी कर्व हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा शरीर, यानी टांग भी ऊपर और हाथ भी ऊपर, और इस तरह से अगर ये पोजिशन बन जाती है तो इस पोजिशन के अंदर